ये बता दूं, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो थी, हमारे जनार्दन बून साहब ने इसको रजिस्टर्ड कर चुका। अब वो आरएसएस आरएसएस नहीं रही, अभी वो जनार्दन बून साहब की रह चुकी। बहरहाल आपको वो रेक्टिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि उन्होंने कैसा किया और आकलनों के हालात पे आपको चर्चा करनी है। तो मैं आवाज़ दूंगा जनाब जनार्दन बून साहब को स्टेज पर तशरीफ लाएं। डेमोक्रेटिक माइनॉरिटी पार्टी की ओर से आज इस नागपुर के संविधान चौक में धरना कार्यक्रम आयोजित किया है। आज हम ये मानते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं। धर्म हमारे घर में है, लेकिन बाहर आने के बाद हम भारतीय हैं। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि इस भारत में ही रहने वाले हमें, हम नागरिक यहां सड़क पर क्यों आ रहे हैं, क्यों आना पड़ रहा है। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी को यहां धरना कार्यक्रम करने की जरूरत क्यों है? हमारे बुजुर्गों ने इस भारत को गुलामी से आजाद करने के लिए जान की बाजी लगाए और हमें आजादी दिलाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को कैसे चलाना चाहिए इसलिए संविधान दिया है। और इस भारत का हर नागरिक, चाहे कोई भी धर्म का हो, वो इस भारत का नागरिक है, उसके समान अधिकार है। लेकिन बीते 9 साल से हम देख रहे हैं, आज आपको मालूम होगा दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का आंदोलन चल रहा था। वो जो उनका अध्यक्ष है बीजी भूषण, उस पर पोस्टो के अंदर एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन आज तक उसको अटक नहीं किया। लेकिन उन आंदोलनकारियों को कुचल दिया गया। क्या यही डेमोक्रेसी है? यही हमारा लोकतंत्र है? आज अकोला की घटनाओं को लेकर अभी वक्ताओं ने जो भी बताया, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है। लेकिन वो पुलिस प्रशासन भी सत्ता में जो गृह मंत्री बैठे हैं, जो नागपुर के आमदार है पश्चिम दक्षिण से, देवेंद्र जी फडणवीस जो गृह मंत्री है, उनका आदेश चलता है और उनके आदेश से ही ये गृह मंत्रालय चलता है। आज हम पुलिस बेचारे नौकर है, नौकरी करना है, क्यों हम देखेंगे? और उसमें तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि ये मुस्लिम है क्या, ये मुसलमान है क्या। गृह मंत्रालय का तो रहता ही है, लेकिन कुछ पुलिस वाले, पुलिस अधिकारी भी इस माइंड के बने हैं कि माइनॉरिटीज का जो कोई भी हो, उस पर हम ज्यादा से ज्यादा अन्याय कैसा कर सकते हैं, ये आज देश में चल रहा है। आपने सुना होगा, कल ही एक न्यूज आई टीवी पे, हमने देखा आज 350वां शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक महोत्सव आज का दिन है। अब मैं स्टेज पे माइक पे आने के पहले आरएसएस का नाम लिया गया। आपको पता होगा 1925 में स्थापित वो हेडगेवार वाली आरएसएस, जो आज तक रजिस्टर नहीं है, सरकारी दफ्तर में कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन करोड़ों अब्जो रुपए की प्रॉपर्टी से वो यहाँ राज कर रहे आज 9 साल से। हमने नागपुर वालों ने वो अनरजिस्टर्ड संस्था होने के नाते उसके गिरफ्तार, उसने मोहन भागवत ने एक कल न्यूज पढ़ा मैंने न्यूज टीवी में कि जो राज्याभिषेक हुआ
शिवाजी महाराज के जमाने में जब उनका राज था तो हिंदवी स्वराज, शिवाजी महाराज ने बोला था हिंदवी स्वराज, शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज बोला था, वही आज भारत को हिंदू राष्ट्र ये बोलकर हमें और मूर्ख बना रहे। यानी शिवाजी महाराज ने हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया था ऐसा उनका कहना है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस बारे में आप सोचते हो, हिंदवी स्वराज और हिंदू राष्ट्र इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमें गुमराह किया जा रहा है। मैं आज के इस स्टेज पर से आप सबको माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त करता हूँ कि जब जब भी आपका आंदोलन आपके आगे जब भी चलता रहेगा, हमारी आरएसएस हम सब साथ में रहेंगे। यही आशा के साथ मैं अपने दो शब्द पूरे करता हूँ। जय हिंद, जय।